गाइस ये है जी नक्या गली, अभी पहुँचे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। ठंड बहुत, ठंड है यहाँ पर लाहौर के एज़ कम्पेयर टू लाहौर, यहाँ थोड़ी ठंड है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी ठंड है। तो टैक्सी देखते हैं शाम की से गुजरती है फिर, तो अभी हम नीचे बाजार में जा रहे हैं कुछ खाना शाना खाएँ। ये हमारा होटल है जो हमने रेंट पे लिया है, तो सनसेट ब्यूटीफुल सा है और खाने के लिए बैठे हैं जी, खाना खाएंगे। तो आज बस ये छोटी मोटी वर्कशॉप होगी, बाकी एक्चुअल टूर कल से शुरू होगा हमारा, और ये खाने का वेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नथिया गली में ये हमारी पहली सुबह है। कल सारा दिन हमने ट्रैवल किया और शाम को पहुँचे, तो शाम को खाना शाना खाने के बाद हमने जो है फिर आराम किया क्योंकि लाइट नहीं थी। तो आज बस सब सुबह उठे हैं और इस कॉटेज में हमने रात स्पेंड की थी, नाइट स्टे किया था। ये काफ़ी अच्छा कॉटेज है और इसमें दो बेडरूम थे, एक लिविंग रूम था, किचन और उसके अलावा लॉबी थी, और बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, ये गार्डन आप देख रहे होंगे, और उसके अलावा काफ़ी बड़ी पार्किंग भी थी। तो उसके साथ हमने जो है काफ़ी इंजॉय किया है। बच्चे सुबह उठ गए हैं और अपने खेल कूद में मसरूफ़ हैं, और अब हम आज यहाँ से आज के दिन का प्लान करेंगे, जिसमें हमने आज नथिया गली, अयूबिया और डोंगा गली साइट्स को विज़िट करना है, और शाम को हमने फिर दोबारा नथिया गली में नाइट स्टे करना है। ये इतना बड़ा कॉटेज है कि आप आराम से काफ़ी बड़ी फैमिली भी यहाँ पर स्टे कर सकती है। इसका सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये बिल्कुल कॉर्नर पे है, रोड कॉर्नर पे, दो साइड्स पे इसको रोड लगता है, एक मेन चर्च वाली रोड जो है वो लगती है और दूसरी एक जो साइड में से उतर के बाज़ार तक जा रही है। तो काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, पार्किंग का काफ़ी बड़ी है, प्ले एरिया काफ़ी बड़ा है, और दूसरा प्राइवेट कंपाउंड है, बच्चे यहाँ पर फ्रीली खेल कूद कर सकते हैं जैसा आप इस पर देख भी रहे होंगे। तो दूसरा ये कि पार्किंग भी इसके अंदर है, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट वाली और अच्छी लग्जरी जगह है ये। और दूसरा थोड़ा सा जो टिपिकल स्टाइल है इसका, जो एक आम बर्फ़ वाले इलाकों के घर होते हैं उस तरह का है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पर रहा। कॉटेज का टूर आपको देते हैं, ये लॉन का एरिया है जहाँ से बाहर बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है पहाड़ों का और दरख्तों का, और काफ़ी अच्छा प्लेजर यहाँ पर आप फील करते हो। अब हम अंदर जाते हैं और अंदर से आपको कॉटेज दिखाते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये बेडरूम है, फुली इक्विप्ड बेडरूम है, इसमें हीटिंग फैसिलिटी भी है और एसी की तो यहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छे बेड लगे हुए हैं, साफ़ सुथरा रूम है ये अटैच बाथ के साथ, और ये एक छोटी सी लॉबी है इसकी, और ये साइड में किचन है, और ये दूसरा बेडरूम है, और ये भी अच्छा बेडरूम है, और इसके व्यूज़ बड़े अच्छे हैं रूम से बाहर के, ये पूरा यहाँ से गार्डन नज़र आ रहा है। तो ये रूम भी, दो रूम हैं यहाँ पर और दो फैमिलीज यहाँ पर स्टे कर सकती हैं। अच्छा, ये इसके साथ एक और लिविंग रूम है, यहाँ आप बैठ के बातचीत वगैरह कर सकते हैं, अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, गैदरिंग अच्छी कर सकते हैं, और यहाँ से भी दोनों साइड्स पे फुली विंडो वॉल्स हैं जहाँ से बाहर का अच्छा नज़ारा आता है। तो जनाब, अब हम निकल पड़े हैं अपने गलियात के टूर पे, और यहाँ हम विज़िट करेंगे डोंगा गली, अयूबिया और ये सारी जगह, और फिर शाम को हमने फिर एबटाबाद में स्टे करना है। तो आज का प्लान हमारा
आज का और कल दोपहर तक का एप्टा नथिया गली और ये सारी गलियात के एरिया ये है जी। इसको मंकी पॉइंट कहते हैं, यहाँ मंकीज बहुत सारे होते हैं जिनको आप भुट्टे मकई जो भी इनको कहते हैं वो उनके पास खिलाते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली बंदर हैं, लेकिन हैं तो ये जानवर ही, इनसे आपको मोहतात रहना चाहिए और एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। ये सामने से भी एक मंकी चलता और चला आ रहा है क्योंकि इसने कुछ उठाया हुआ है, तो ये भी बड़ी अच्छी जगह है यहाँ की जहाँ हमने काफ़ी हम इंजॉय कर रहे हैं। और अब यहाँ से हम आगे की तरफ नहीं, उनके बंदरों खिलाने के तो यहाँ और भी लोग रुकते हैं और इंजॉय करते हैं इनके साथ। ये मंकी आपको नज़र आ रहे होंगे सड़क के ऊपर। इसके बाद जी अगली जगह ये गलियात के वाटर टैंक हैं जो कि ब्रिटिश टाइम के बने हुए, ये काफ़ी बड़े वाटर टैंक हैं। ये जी अयूबिया का व्यू पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी दूर तक पहाड़ नज़र आते हैं और एंड में आपको कश्मीर के पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है और यहाँ पर रुक के टूरिस्ट इंजॉय करते हैं, साइट सीन करते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। तो हम भी यहाँ पर रुके हुए हैं और साइट सीन इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटोग्राफी करते हुए अयान साहब, हिलो ना, जल्दी जल्दी बनाओ, देखो बड़ी अच्छी फोटो बनाता है वैसे ही। बैक साइड पे बिल्कुल आगे कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे जो लास्ट में नज़र आ रहे हैं ये कश्मीर के पहाड़ हैं। और एक पॉइंट पर इनको जो है वो बर्फ़ भी नज़र आ रही है, अगर ये कैप्चर कर सके तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे आ रहा है। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन तस्वीर हो गई ना ब्लॉगी। ये जी नज़ारा है और इस वक्त इस अयूबिया के मुकाम पे ये कोई टूरिज्म नहीं है क्योंकि वीकडे शुरू हो गए और इन दिनों में टूरिस्ट कम है, सैटरडे संडे को टूरिस्ट नज़ारा। वैसे बेस्ट यही है कि आप वीकडेज में हैं ताकि आपको रश भी कम मिले और इन्जॉयमेंट के लिए, तो ऐसी बात है आप शहरी माहौल से आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक अच्छा रिलैक्स माहौल चाहिए। वीकेंड में वो माहौल ऑलमोस्ट शहर जैसे ही होता है, अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर या तो आप शहर में रहें या आए बात ही की है, तो इसलिए हमने चूज़ किया है कि हम वीकडेज में ट्रैवल करें। आगे चलते हैं और मजीद इंजॉय करते हैं। ये जी अयूबिया का ट्रैक है, हम यहाँ पर हाइकिंग कर रहे हैं, हाइकिंग ट्रैक पे हाइकिंग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक हाइकिंग हो सकती है वहाँ तक करेंगे। ये डोंगा गली तक जाता है ट्रैक, चार किलोमीटर है, चल लोगे तो ट्रैक हो जाएगा। हाँ देखो हम जहाँ तक चल सकेंगे वहाँ तक चलेंगे, अदरवाइज फिर हम वापस आएंगे। तो ये एनवायरनमेंट है यहाँ का, तो जो गाड़ी वाले अंकल है वो, ये दोनों अम्मा बेटा एक साथ जा रहे हैं बातें करते हैं, गाड़ी वाले अंकल और हम बाप बेटी एक साथ जा रहे हैं बातें करते हैं। हाँ किधर है अंकल जो थे, वो अंकल पीछे रह गए, वो अंकल आएंगे नहीं, अंकल गाड़ी के पास है, ऊपर कुछ है जो खट 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 कर रहा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई मजा आ रहा है, कितना बहुत स्टिक तुम पकड़ो, तुम गिरती पड़ती चल रही हो, दो मम्मा को स्टिक,
कितने सारे बच्चे आए हैं अभी यहाँ से? हजार है? ये 4 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर। अभी तो हम हेलो गाइस 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 दो गाइस हैं, दो भैंसे हैं है ना। ये दो पीछे भैंसे आ रही हैं, तो ये दो गाइस हैं हैं। मजा आ रहा है, ये बताओ। ठंड को करो परे। लाइव चल रहे हैं हम लोग लाइव। अच्छा साथ साथ रहना, ज्यादा पीछे नहीं होना है। डोंगा गली से, डोंगा गली क्या तो सारे बंदर उनकी मिसेज साथ ले गई। ट्रैक पे कोई बंदर नहीं है अभी, अब कोई बंदर नहीं है। अब है दो भैंसे और दो गाय। दो गाइस और दो भैंसे। अच्छा बड़ी पुरसकून इन्वायरमेंट है। ये लाहौर की घांसी है, यहाँ घांसी घांसी कोई नहीं है। यहाँ ठंडा मौसम है, 2 दिन पहले बारिश हुई है। कोई हमारे नहीं खांस रहा, हम से पोल्यूटेड पीपल वही सांस रहा, धुआं सुन सुन कर पागल हुए। ट्रैक कितना तक जाता है? 4 किलोमीटर और डोंगा गली। ये देखो एक और दरख्त ऊपर से नीचे गिरा है, वो इसको गिरने के बाद उन्होंने काट के ट्रैक बहाल किया। वो कंबल लाइयो तुम। कहते हैं जी 3 मिनट वॉक करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। 3 मिनट में क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और 5 मिनट वॉक करेंगे तो मूड में तब्दीली आएगी। और 10 मिनट वॉक करेंगे तो आपकी तख्लीकी सोच बेदार हो जाएगी। और उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर थक जाएंगे, फिर आप वापस आ जाए। दैट्स इट। उसने पर्चे पे लिख के नोट लगाया हुआ था, 1-2 घंटे पहले वाले लगाए हुए थे, बाद वाले तो हमने जो टाइमिंग के साथ थे वो उसने लगाए हुए थे। ये है इंडियन नेशनल पार्क। आजो भाई, अभी तो बहुत पड़ा है, अभी सिर्फ हम 5 मिनट चले। अभी उसकी पर्ची के हिसाब से हमें 25 मिनट पैदल चलना है। 25 मिनट से पहले वो आपको वापस नहीं जाने देगा। वही रुक जाओ गार्ड। गार्ड तो आ जाओ जी। यहाँ भी कुछ लिखा है, ये भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। नहीं कुछ बना हुआ है। रेप्लिकास ऑफ आर्मी इंसिग्निया एंड मेंटल बैजेस ऑफ ब्रिटिश रेजिम एंड हिस्टोरिकल रिसोर्स ऑफ यूपीएन नेशनल पार्क। वो भी और वो भी जगह थी जहाँ बर्फ पड़ी होती है। बर्फ कहाँ पड़ती है? बर्फ है अभी नहीं है। ये देखो ये पानी गिर रहा है थोड़ा 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 थोड़ा। छोटी छोटी बूंदे अभी गिर रही है यहाँ पर, देखो कैसे पानी आ रहा है। ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। अभी पहाड़ों में भी पानी कम है,
इस तरफ देखते हैं। ठीक है। ओह ये वैली देखो यार। दिखाओ तुम नन्ना बताओ मुझे। थर्ड लेयर में कश्मीर के पहाड़। अरे मैंने तो ग्लव्स भी नहीं पहने। वो उसकी फोटो ले रहा है। ले जा रही है। आमना की ले लो, आमना की ले लो। पीछे आ जाएंगे पानी के। उनको भी पता है जब हमने टिकट लिया है तो उन्होंने गार्ड साफ कर दिया। मैंने उससे पूछा था, मैंने कोई सिक्योरिटी का कोई इशू था तो नहीं, गार्ड आपके साथ जा रहा है तो हमारे साथ ही जा रहे हैं गार्ड। स्लिप हो गए, सब गीला है। चलो ये वाली होती है ना हाइकिंग। मोबाइल टेढ़ा हो गया था। धूप आ गई, अब गर्मी लगेगी। जंगल है खत्म, तुम्हें यूज नहीं करना आता। आज जंगल से बाहर निकले। ये नीचे जो है ना पाइपलाइन जा रही है, ये पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन है। क्या वो क्या चलो अब जंगल में तो यही मिलेगा ना।
ये नेचुरल ब्यूटी है। और स्पॉट शॉपिंग, बच्चे इसको कहते हैं चीज लेना, चीज ले रहे हैं। लग रही है पानी पीना, पी लो। इन बच्चों बार बार भूख लगती रहती है। चलो यहाँ रुकते हैं और हम फिर आगे चलेंगे थोड़ा और रुक के, ठीक है। चलो बहुत रेस्ट हो गया। मोबाइल मोबाइल का टाइम देखना है। एक बजे असर की तो नहीं होगी ना, जोर की होगी इस टाइम पे। ये अब वो वाला 3 बजे असर के खाने जाएंगे। डस्टबिन है ना, उसमें रख देंगे। चलो नाम किस किस का लिखा है, नवाज है, कोई सना भी है, नताली भी है, कोई आज की तारीख डाल जाए यहाँ पर हम लोग। ये तारीख फिर कभी नहीं आई। जो लोग भी नाम लिख के गए ना, बड़ा ही टाइम था उनके पास, फ्रेश फ्रेश के लिखा। चलो जी बच्चों का ठीक है, हम चलते हैं। आप जल्दी से चल लो, जल्दी से मम्मा शिक्षा कर लेना। ट्रैक दोबारा शुरू करते हैं और आपका पैर भी मुड़ जाना। ये पता हुआ क्या है, ये लैंडस्लाइड हुई है और ये पूरा दरख्त नीचे आया लेकिन रुक गई यहाँ लैंडस्लाइड, तो ये दरख्त यूं ही रह गया। आजा तुम रीलिंग रीलिंग से हट के चलो। चलो जी अब हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे और रीलिंग से इधर होके चलो। तो चले आ जाओ टनल पहाड़ के अंदर से बनती है। हम जा रहे हैं गाड़ी में, जिस जमाने में बनाई है उसको बड़ी अचीवमेंट होगी। यहाँ पर क्या है, लाइट है। ये देखो पानी आ रहा है इसमें, ये देखो पानी बचपन में ये छोड़ा हुआ है स्कूल में। तो दो चक्कर लगा लो, तुम दो चक्कर लगा लो। तेरे
तुमने इनसे पूछा? पूछो इनसे, बोलो तुम लोगों ने हमसे क्यों नहीं पूछा? ये ज्यादा पानी आया है, ये देखो तो सारा पानी अयान साहब घोड़े की राइड करते हुए। अयान मजा आ रहा है? आगे देखो, आगे बस सही है। क्या टाइम हो रहा है? गाड़ी में देखो टाइम, मरी चले मरी। हेलो हेलो, अयान साहब पहले पहुंच गए और हम लेट हो गए। उतार दिया उसको, आ जाओ। हाँ मजा आया हैं? दोबारा जाना है। तो जनाब ये थी आज की हमारी फुल डे एक्टिविटी, इसमें काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और अब नथिया गली हम वापस आ चुके हैं और शाम हो चुकी है, तो अब नाइट स्टे हम नथिया गली में ही करेंगे और कल सुबह हम मरी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिर बाकी का जो वीलॉग्स है वो बाकी का जो वीलॉग है वो मरी से रिलेटेड होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, टिल देन टाटा बाय बाय।